So students, in this lecture we are going to study about Platyhelminthes, that is the fourth phylum of animal kingdom. Platyhelminth, तो बच्चों यहाँ पे प्लैटी जो लिखा हुआ, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिला, प्लैटी, पी एल ए टी वाई, इसका मतलब होता है फ्लैट, मतलब चपटा, और आप लोग क्या बोलते हैं इसमें से, सेपेटा, यस फ्लैट, ठीक है। तो ये हो गया प्लैटी, और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म लाइक, ठीक है, या वॉर्म, हेलमिंथ इसका मतलब हो गया वॉर्म। सो व्हाट इट बिकम्स, ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखिए फ्लैट वॉर्म, ये प्लैटीहेलमिंथेस जो है इसे हम कॉमनली किस नाम से पुकारेंगे, फ्लैट वॉर्म के नाम से पुकारेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके आप लोगों को दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस फ्लैट वॉर्म और प्लैटीहेलमिंथेस इज मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये ज्यादातर क्या होता है, तो एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट होंगे जिसको एंडोपैरासाइट का मतलब पता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ देखो बच्चों, एंडोपैरासाइट का मतलब, एंडो का मतलब होता है विद इन, ठीक है, एंडो का मतलब क्या हुआ, विद इन, विद इन मतलब अंदर, ठीक है, या एसमी से बोले तो भीतरो, भीतरो और भीतरो, ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, ओके। और पैरासाइट जो है, ठीक है, ये पैरासाइट, पैरासाइट जो है ये एक तरह का इंटरैक्शन है बिटवीन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचती है, ठीक है, तो उसे हम पैरासाइटिक इंटरैक्शन कहते हैं। जैसे मच्छर और इंसान, ठीक है, ये कहानी नहीं है, ठीक है, मच्छर और इंसान, ठीक है, मच्छर क्या करता है, तो इंसान का खून चूसता है ना, और खून चूस करके, समझ रहे हो ना, जैसे फीमेल मॉस्किटो जाकर खून चूसती है, ओके, नॉट द एडल्ट एनोफिलिस, जैसे बोलते ना मॉस्किटो कॉजेस मलेरिया, तो आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, तो एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो कॉज करता है, और वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करती है, नॉट द मेल, बिकॉज मेल जो है वो खून नहीं चूसता, फीमेल खून चूसती है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, तो ये ज्यादातर क्या कर रहा है, एंडोपैरासाइट है, मोस्टली एंडोपैरासाइट है, तो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर रह करके ये पैरासाइट के फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में ये ग्रो करता है, समझ रहे हो, इवन विद इन द मैन, ठीक है, ये मैन के अंदर भी चला जा सकता है, मैन कैन ऑल्सो द होस्ट, ठीक है। तो ये मान लो फ्लैट वर्म क्या हुआ, पैरासाइट हुआ, और किसके अंदर में, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैन, तो मैन क्या हुआ, होस्ट, होस्ट एंड द पैरासाइट। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि पैरासाइट का मतलब क्या है, या एंडोपैरासाइट का मतलब क्या, मोस्टली द प्लैटीहेलमिंथेस आर एंडोपैरासाइटिक इन, ओके, नेचर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू विल गेट अनदर टर्म, मैंने क्या बोला, फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म में मतलब दोनों तरफ से फ्लैट है ये, ओके, ये दोनों तरफ से फ्लैट होगा, डॉर्सली भी फ्लैट होगा और वेंट्रली भी फ्लैट होगा, समझ गया, ये डॉर्सली भी फ्लैट है और वेंट्रली भी फ्लैट है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैं फिर से वो बता रहा हूं, दिस इज द डॉर्सल पार्ट, ये डॉर्सल पार्ट है और ये वेंट्रल पार्ट है, ओके, ये डॉर्सली भी फ्लैट है और वेंट्रली भी फ्लैट है, ठीक है, दोनों हम इसको क्या बोल सकते हैं, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट इन बॉडी, ठीक है, दिस ऑर्गेनिजम्स हैव, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे, द फ्लैट वर्म्स हैव डॉर्सो वेंट्रली, मतलब डॉर्सल भी और वेंट्रल भी, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है, दोनों तरफ से फ्लैट है, तो इसका जो बॉडी क्या हुआ, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स, इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बात क्लियर हुई कि ये दोनों तरफ से फ्लैट होता है, इसलिए हम इसका बॉडी को क्या कहते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ओके, and the term given is the flat worm, okay, a flat worm se humko kya mila, platyhelminthes, I hope so you all are clear, theek hai, fir ek bacche ne likha hai dorsal and ventral kya hai sir, Salim A. Connell, okay, Salim A. Connell, aap logo ko maine isse pehle wale class mein bataya tha, theek hai, chaliye ek acha sa example deta hu aapko samjhane ke liye,
आप क्या हो, आप ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो आपका आपका डॉर्सल और वेंट्रल कहाँ होगा, ठीक है, आपका डॉर्सल साइड क्या है, तो आप जो बैक देखते हो, आपका पीठ, पीठ आपका जो पीठ पोर्शन है, जो बैक पोर्शन है, जिसको हम पीठ कहते हैं, आपको कैसमिन में क्या कहते हो पता नहीं, ठीक है, पीठ बोलते हो क्या, बैक पोर्शन को हम डॉर्सल कहते हैं, ठीक है, ये डॉर्सल एरिया हो गया। और जो हमारा सामने का नजदीक का पोर्शन होता है, जो फेसिंग टुवर्ड्स द अदर पीपल, ठीक है, जैसे फ्रंट पोर्शन, वो वेंट्रल हो गया, ठीक है, हमारे सामने का पोर्शन क्या हुआ, वेंट्रल हुआ। ओके, अब इस तरह से समझाते हैं आपको, एक ऑर्गेनिज्म में लेता हूँ, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, अब देखें ये जो इसका ऊपर का जो पोर्शन है, इसे हम डॉर्सल कहते हैं, दिस इज द डॉर्सल पार्ट, ओके, आई एम डिनोटिंग इट एज कैपिटल डी। एंड जो नीचे का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं भी, दैट इज द वेंट्रल, ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ठीक है। और ये आगे का पोर्शन है, फ्रंट फ्रंट साइड, इसको हम क्या बोले, ऊपर का जो पोर्शन, इसको हम एंटेरियर बोलेंगे, और ये पीछे का जो पोर्शन है, इसको हम पोस्टेरियर बोलेंगे, समझ गया। तो डॉर्सल, वेंट्रल, एंटेरियर, पोस्टेरियर, नाउ इट इज क्लियर, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग को ज्यादा बहुत ही जरूरी है, ओके ओके। Now we are moving on to the characteristic. मैंने एक character बताया आपको, dorsoventrally flattened body, okay? उसके बाद तो second feature पे हम चलते हैं। These organisms are bilaterally symmetrical. देखिए तीनों फोड़ा तक थे क्या था, radially symmetric था, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा, जब मैंने आपको animal kingdom का classification बताया था, तो मैंने आपको radiata और क्या बताया था, bilateria। तो रेडिएटा में सिलेंट्रेटा तक रखा था और टीनोफोरा तक रखा था, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन जैसे मैंने बाइलेटेरिया स्टार्ट किया था, तो बाइलेटेरिया में हमको पहला फाइलम मिला था, दैट इज द प्लैटीहेल्मिंथिस, ठीक है। तो ये जो प्लैटीहेल्मिंथिस है, वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, और बाइलेटरल सिमेट्री का आप लोगों का मतलब पता है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, चलिए फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, रिकॉल हो जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली फ्रॉम वन एक्सिस, जिसे हम एक एक्सिस से ही डिवाइड कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन एक्सिस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। ओके, बच्चों ने चैट बॉक्स में कुछ डाला है, यस वेरी गुड, वन एक्सिस, ओके समझ गया। सो बच्चों यहां हम लिख सकते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल में, दैट ये बायलेटरली सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बायलेटरली सिमेट्री एनिमल किंगडम में अगर पूछा कि फ्रॉम वेयर द बायलेटरली सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टेड, सो व्हाट वी विल से, वी विल से दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम द प्लैटीहेल्मिंथिस, ओके। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दैट प्लैटीहेल्मिंथिस, आई एम राइटिंग हियर एज दे आर द फर्स्ट एनिमल, दे आर द फर्स्ट एनिमल, ओके, टू हैव bilateral symmetry, ओके, ये पहला एनिमल है जिसके पास bilateral symmetrical हमें या bilateral symmetry हमें मिला था, समझ गए, first point। And one more thing, they are also the first organism or first animal to have civilization, ठीक है, and they are also the first animal to undergo cephalization, cephalization, cephalization। तो ये एक न्यू टर्म आप लोगों के डिक्शनरी में ऐड होने जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या बताया, दैट प्लैटीहेल्मिंथिस ऑर्गेनिज्म और फर्स्ट एनिमल्स टू हैव बायलैटरल सिमेट्री, आफ्टर दैट व्हाट आई टोल्ड यू, दे आर ऑल्सो द फर्स्ट एनिमल टू अंडरगो सेफालाइजेशन, ओके। तो बच्चों सेफालाइजेशन का मतलब क्या होता है, the differentiation of anterior end from the organization, ठीक है, और of an organization, जैसे differentiation बोल रहे anterior end का, तो अभी अभी आपको मैंने क्या बताया था, याद है anterior end के बारे में बोला था, जैसे आगे का पार्ट, जैसे ये मान लो anterior end है, ठीक है, this is the anterior end, this is the posterior end, ये तो dorsal हो गया, ये ventral हो गया, ठीक है, already you know, ठीक है, cephalization का मैंने क्या मतलब बताया, ये anterior end है, anterior, अगर नहीं याद है या नहीं पता है तो आप लोग इसका मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, सेफालाइजेशन का क्या मीनिंग है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीरियर एंड और फ्रंट एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ डेफिनेट हेड, यहाँ पे आपको डेफिनेट हेड मिलेगा, ठीक है, इफ यू से देन आई कैन राइट द फुल सेंटेंस, ओके,
अच्छा ठीक है मैं लिख ही देता हूं, द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीरियर पोर्शन और एंटीरियर एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ डेफिनेट हेड, डेफिनेट मतलब पक्का, ठीक है, डेफिनेट हेड, यहां पे हेड बन रहा है, समझ रहे बात को, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स नर्वस कंट्रोल एक्सेट्रा एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन और एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग हेड एंड ब्रेन, तो यहाँ पे हमको हेड मिलेगा और ब्रेन मिलेगा, समझ लो बच्चों, तो उसे हम सेफलाइजेशन कह रहे हैं। एक और मीनिंग लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गेन नर्वस सिस्टम at the anterior end, तो हमारा cephalization है, yes or no? We have cephalization or not? Write down in the chat box. At the anterior end of the body. तो देखो बच्चों ये दोनों जो मैंने डेफिनेशन दिया आपको, ठीक है, सेफलाइजेशन का, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर बोले तो एक दूसरे को ही बता रहा है। यहाँ भी मैंने क्या बोला, सेफलाइजेशन का मतलब एंटीरियर एंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किससे, तो हेड में, यहाँ पे हेड बन रहा है, समझ में आ रहा है बात। इससे पहले क्या हमने हेड बताया था, सिलेंट्रेटा में नहीं बताया था, ठीक है, पोलीफेरा में नहीं बताया था, टीनोफोरा में नहीं बताया था, यहाँ पे आपको हेडलाइक मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गेन नर्वस सिस्टम और नर्वस कंट्रोल सिस्टम एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्मिंग अ हेड और ब्रेन, ठीक है, या तो हेड बना रहा है, हेड में क्या मिलेगा, ब्रेन मिलेगा, समझ गए। तो हमारे सिविलाइजेशन है कि नहीं, मैंने आप लोगों से पूछा था, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा यस, ओके, वेरी गुड, हमारा सेफलाइजेशन है, हमें हेड बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन सेंस ऑर्गन, वेरी गुड। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ, तो सेफलाइजेशन क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, ओके, अदरवाइज यू विल गेट द वीडियो लेक्चर, फिर भी। तो यहाँ मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बच्चों, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, ठीक है, फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम फ्रॉम वेयर बायलैटरली सिमेट्री एंड द सेफलाइजेशन हैज स्टार्टेड, इज दैट क्लियर, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा पत्थर की लकीर की तरह, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्री होगा और सेफलाइजेशन हमको यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, यू कैन राइट डाउन योर डाउट, रकीब हुसैन यू वांट टू रिपीट अगेन, ओके, सो बच्चों फिर से एक बच्चे को डाउट है, सो थोड़ा रुक जाइए आपको, बायलेटरल सिमेट्री मैंने कहा था, दिस बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है, मतलब वो बॉडी या वो एनिमल जिसको हम एक एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में, नॉट मोर देन वन एक्सिस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ये जो बायलेटरली सिमेट्री है वो सबसे पहले हमको एनिमल किंगडम के किस फाइलम में मिला, तो हमारा आंसर है प्लैटीहेलमिंथेस, ओके, ये क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि सेफलाइजेशन भी इसी फाइलम से स्टार्ट हो रहा है, सेफलाइजेशन का मतलब होता है ब्रेन या हेड का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सेफलाइजेशन में हमको प्लैटीहेलमिंथेस से ही मिल रहा है, इज देयर एनी क्रिएचर विदाउट सेफलाइजेशन, यस, इसके नहीं है, अब हेड नहीं है, माउथ नहीं है, तो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था पोरीफेरा के बारे में, कहां सेफलाइजेशन बताया, सिलेंट्रेटा में कहां सेफलाइजेशन बताया, ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बच्चों अब जर्म लेयर्स का बात करूं, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, ये जर्म लेयर्स इसमें कितने मिलेंगे, तो ये जो है देखिए प्लैटीहेलमिंथेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो हमने थ्री फाइलम पढ़ा था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ओके, और टीनोफोरा, मैंने कहा था वो सब डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथेस क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, थ्री जर्म लेयर्स आर देयर, और ये तीन जर्म लेयर्स कौन कौन से हैं, यू नो बेटर देन मी नाउ। ओके, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ए सिलोमेट। ये ए सिलोमेटा कहलाता है, याद होगा आपको क्लासिफिकेशन। ए सिलोमेट मीन्स विदाउट बॉडी कैविटी, दे डोंट हैव व्हाट, बॉडी कैविटी। ओके, नो बॉडी कैविटी हियर। देन ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेन होता है, टिश्यू लेवल तक हमने पढ़ा था तीनों फोरा में। ओके, उसके बाद ये आ जाता है ऑर्गेन लेवल, इनिशियल क्लासेस में मैंने बताया था आपको एनिमल किंगडम के। ये हो गया ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो मिलेगा निमेथल मिंटिस से ऑर्गेन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब जरा सा इसका डायग्राम देखते हैं। Very good, Ijazur, with organ level, yes, no body cavity. So, liver fluke is one of the example of this phylum. That is the platyhelminthes. Now look at it. This is a liver. अब इस लीवर फ्लूक में हमको क्या मिल रहा है, दो ओपनिंग मिलेगा। ओके, यहां मुझे एक ओपनिंग मिल रहा है जिसको माउथ कह रहे हैं, यहां पे माउथ है। ठीक है, और ये जो पोस्टेरियर मिल रहा है आपको, ये एक्सक्रीटरी पोर, दिस इज एन एक्सक्रीटरी पोर, ई एक्स सी आर ई टी ओ आर वाई, एक्सक्रीटरी पोर। हियर देयर विल बी माउथ, और ये रहा सकर, यहाँ पे सकर भी पाया जाता है, सकर मतलब एक खून चूसता है, सकर। सकर, नाउ दिस इज द हेड पोर्शन। देखो ये हेड पोर्शन हुआ, तो आप लोगों ने कहा था ना ये सेफलाइजेशन हो रहा है, ये देखो ये हेड पोर्शन, ओके, एंड हियर देयर विल बी एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड ए जेनाइटल पोर और गोनोपोर। ये जेनाइटल ओपनिंग है फॉर रिप्रोडक्शन, जेनाइटल ओपनिंग, it is also called as gonopore, p-o-r-e, okay, and below this gonopore there will be another opening, okay, opening jaisa hai yahan pe, theek hai, ye sakar ka kaam karta hai, isko hum ventral sakar kehte hain, theek hai, yahan pe ek aur sakar, dekho ek anterior sakar hai, ek ventral sakar hai, theek hai, ek upar ki taraf hai, और देखो ये ventral ही present है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको ventral sucker बोल रहे हैं, V-E-N-T-R-A-L, S-U-C-K-E-R, ventral sucker, और you can say acetabulum, A-C-E-T-A-B-U-L-U-M, okay, acetabulum, and this is the body, ये body हो गया। figure का नाम क्या है, तो figure का नाम है liver fluke, F L U K E, okay, this is the liver. तो बच्चों देखो, यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला ये माउथ है, ठीक है, ओके, और सकर प्रेजेंट है सक करने के लिए, जेनाइटल ओपनिंग है फॉर रिप्रोडक्शन, दिस इज द वेंट्रल सकर, दिस इज द हेड पोर्शन, और एक्सक्रीटरी पोर्ट से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। नाउ नाउ स्टूडेंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको हुक्स मिलेगा और सकर्स भी मिलेगा, ठीक है, हुक्स एंड सकर्स, सकर्स तो हमको दिख ही रहा है, साथ में हुक भी पाया जा रहा है, ठीक है, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। हुक मींस लाइक दिस,
लाइक दिस हुक लाइक, ठीक है, हुक प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइट का मतलब मैंने बताया है आप लोगों को, पैरासाइटिक फॉर्म किस लिए प्रेजेंट होता है ये हुक और सकर्स, और सिंपल सा बात है पैरासाइटिक फॉर्म में हुक्स एंड सकर का क्या जरूरत है, फॉर एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स, ओके, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किस से एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑलरेडी मैंने बताया था प्लस एंड माइनस इंटरेक्शन, ओके, दैट इज फ्रॉम द होस्ट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, किसी बच्चे ने दिया है सर स्टडी ऑफ प्लेटिंग नॉलेज, ओके ओके, तो ये पैरासिटिक फॉर्म टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, ठीक है, ये होस्ट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, समझे, ये सकर जो होता है। नाउ नाउ स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ एनिमल किंगडम, मैंने आप लोगों को बताया था ओके कि प्लैटीहेल्मिंथिस में एक्सक्रीशन किससे होगा, ओके, इफ एनीबॉडी नो द आंसर देन यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ओके, चलिए ठीक है। तो अब बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को बताया था एक्सक्रीशन के बारे में डिफरेंट एनिमल्स के, मतलब डिफरेंट फाइलम्स में, आप लोग को अगर याद हो तो, कुछ बच्चों ने आई थिंक लिखा भी है, वेरी गुड, फ्लेम सेल्स, ओके, अब फ्लेम सेल्स में क्या होगा, प्रोटो न्यूक्लिया, फ्लेम सेल्स मेथनिंथिस में भी पाया जाता है लेकिन वहां पे डायरेक्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, तो बच्चों इसको कंप्लीट करते हैं आज, वी डोंट हैव एनफ टाइम नाउ। तो बच्चों ये जो प्लैटीहेल्मिंथिस है, व्हाट डिपोजिस, दे पोजेस फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब बच्चों इस फ्लेम सेल्स में क्या होता है, फ्लेम सेल्स में प्रोटोनेफ्रिडिया, इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये फ्लेम सेल्स हमको निमेथेलमिंथिस में भी मिलेगा, लेकिन निमेथेलमिंथिस में कौन सा सेल्स है, तो रेनेट सेल्स कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले भी बताया भी है, ठीक है, कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है बच्चों, ऑस्मोरेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी, ओके, उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे, ओके, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर इज दीज ऑर्गेनिजम्स आर हार्मोफ्रोडाइट, दैट इज बाइसेक्सुअल, अब बाइसेक्सुअल हार्मोफ्रोडाइट बोली या मोनोएसिस बोली एक ही है। अब बच्चों इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा इसमें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस, तो लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, one of the most important point here that is students these organisms have regeneration capacity, theek hai, yahan pe kuch members hote hain platyhelminthes mein, some members like planaria, theek hai, ek example kuch members hote hain platyhelminthes mein jaise ki planaria, okay, aur dugesia, these members have or this planaria have regeneration capacity,
रीजेनरेशन कैपेसिटी है, रीजेनरेट कर सकता है। ठीक है, अब रीजेनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पोजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, बहुत जल्दी ये लोग रीजेनरेट करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज ये एक एग्जांपल, ये मान लो ये प्लेन एरिया है। ठीक है, दिस इज अ प्लेन एरिया, और इस प्लेन एरिया को अगर हम नीचे तक काटेंगे, मिडिल से लेकर के अगर हम मान लो नीचे तक इसको काट रहे हैं दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ओके, मिडिल टू डाउन, ओके। देन व्हाट हैपेंस, ये जो दोनों हाफ है ना, ये जो दोनों हाफ है, ये इसको मैंने जैसे ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों हाफ फिर से बन जाएंगे, अपना अपना जो लॉस्ट पार्ट है ना, फिर से ये बना लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। They will make their own part. समझे, जैसे मान लो मैंने अभी क्या बोला, they have the regeneration capacity, इनके पास regeneration capacity है, मतलब मान लो इनका जो भी lost part होगा ना, जैसे मैंने अगर इसका एक half part को काट के हटा दिया, या बीच से मैंने काट के हटा दिया, तो इसका मान लो ये half part जैसे loss हो गया तो ये बना लेगा, और ये अगर loss हो गया तो ये बना लेगा। ठीक है, मतलब खुद का बना लेगा, ऐसे देखो इस तरह से बनाएगा। ये अपना एक पार्ट बना लिया, ठीक है, और ये भी अपना एक लॉस्ट पार्ट बना दी, समझ के बात को, इस तरह से ये रीजेनरेट कर सकता है, समझ गए। दैट इज व्हाई दे पजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। जैसे मान लो अगर हमारा हाथ काट दिया या हाथ में कट गया, तो हम अपना हाथ को फिर से रीजेनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज योर लॉस्ट पार्ट। बट अगर मैं यहाँ पे इसको बीच से काट के हटा दूं, तो ये अपना हाफ लॉस्ट पार्ट डेवलप कर लेगा। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, इसको रीजेनरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैटीहेल मिथ्स। ओके, प्लैटीहेल मिथ्स भी यहाँ पे खत्म होता है। आपको एग्जांपल मिल गया, प्लेन एरिया बोलिए, ड्यूजेसिया बोलिए, ठीक है, और रिवर फ्लिप बोलिए। ओके, दे आर एंडोपैरासाइट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट नेमेथल मिथ्स एंड एनिलिडा। ठीक है, ट्राई करेंगे उसको एंड करने के लिए। फॉर दिस लेक्चर मीन्स फॉर दिस सेशन यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू।